कुछ कहते हैं स्वामी रामदेव ने स्वदेशी को स्थापित किया है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। स्वदेशी का बीज तो हमारे पूर्वजों ने बोया, महर्षि दयानंद से लेकर के बाल गंगाधर तिलक जी से लेकर के महात्मा गांधी जी से लेकर के चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के गीत जो मैं कल गा रहा था, और इसमें पराधीन भारत के बाद स्वाधीन भारत में स्वदेशी के लिए बहुत बड़ा जागरण संघ परिवार ने किया, उसके लिए भी मैं कृतज्ञता पूर्वक उनका अभिनंदन करता हूँ। हमने उस स्वदेशी को जो स्वर दिया गया था उसको कि भाई अब कोलगेट का विकल्प क्या है, तो हमने कहा कोलगेट का विकल्प ये दंत कांति है, ये हमने दे दिया। लोग बातें कर रहे थे कि भाई, फिर कुछ लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिशें कैसी कैसी होती थी। अब इनके पास प्रतिदिन करीब 50 लाख ट्यूब बनाने की कैपेसिटी है, डेली 50 लाख ट्यूब। तो शुरू करते थे वो कितनी करते थे, अरे बोलो इतना बड़ी कैपेसिटी लगा ली उसमें तो 2-3 हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो वो शुरू कहां से करते थे, 5 हजार से। महाराज आज कोलगेट से बड़ी कैपेसिटी पतंजलि के पास है, 50 लाख ट्यूब से ज्यादा, 60-70 लाख ट्यूब प्रतिदिन हम बनाते हैं, इतनी बड़ी कैपेसिटी लगा दी। एक बार तो रिस्क लेना पड़ता है। मैंने कहा बाबा होकर के रिस्क नहीं लेगा तो और कौन लेगा, लो रिस्क लो। महाराज हमारे बहुत संघर्ष हुआ इसको लेकर के श्रीकांत जी, कि भाई ये हम लोग लाखों लाखों ट्यूब बनाने की कैपेसिटी लगा रहे हैं, हजारों हजारों टन प्रोडक्शन कैपेसिटी लगा रहे हैं, ये आगे चलेगा कैसे, ब्रांड को इंडोर्स कौन करेगा, ब्रांडिंग कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। जैसे मैं आपको योग सिखाता हूं ना, ऐसे मैनेजमेंट भी सिखाऊं क्या, कल सिखाता हूं योग के साथ आपको मैनेजमेंट भी सिखाएंगे। तो ये सच है कि भगवान ने ये कार्य करवा दिया और इसमें बहुत महापुरुषों का तप है, और अभी ये यात्रा प्रारंभ हुई है। तो और मैं कृतज्ञ हूं इस बात के लिए, मैं यहाँ कुंभ में भी जा रहा हूं तो मैक्सिमम साधु संतों ने अपने पूरे इन जो कुंभ क्षेत्र में अपने अपने पंडालों में स्वदेशी उत्पादों को ही स्थान दिया हुआ है, मैं इसके लिए पतंजलि को स्थान दिया हुआ है, इसके लिए उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।